नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका। नबामतु की सरकार फिर होगी बहाल। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को बताया असंवैधानिक। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद घाटी में दो दिन का अलर्ट जारी। तनाव के बीच आज श्रीनगर में मनाया गया शहीदी दिवस। सीएम महबूबा मुफ्ती ने की लोगों से शांति की अपील। मोदी मंत्रिमंडल से बुजुर्ग नेताओं की विदाई। नजमा हेपतुल्ला, जीएम सिद्धेश्वरा ने दिया इस्तीफा। मोदी संगठन में मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा कद। अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिला स्वतंत्र प्रभार। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर ने की सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात। निर्मल खत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने राज बब्बर को सौंपी है कमान। जाकिर के एनजीओ के लिए काम कर चुके साजिद शेख ने खोली जाकिर की पोल। कहा, धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से मिलता है फंड। लोगों को बहलाकर इस्लाम कबूल करवाता है जाकिर। कश्मीर हिंसा को भुनाने में जुटा पाकिस्तान। 5 ताकतवर देशों से भारत पर दबाव बनाने की अपील की। घाटी में लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने की कही बात। टीम इंडिया कोच विवाद पर सचिन तेंदुलकर का बयान। कहा, शास्त्री शानदार खिलाड़ी, क्रिकेट में दिया अहम योगदान, लेकिन कुंबले को बताया टीम इंडिया के लिए बेस्ट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।